नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। इस वक्त नगर निगम के चुनाव जो है आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है अपनी अपनी पार्टियों को जिताने के लिए। आज हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 47 में, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो बसंत चौधरी जो है इस वक्त मैदान में उतरे हैं। आइए पूछते हैं उनके समर्थन में जो उनके साथ हैं। सर, जो बसंत कुमार जी अपने मुद्दे बता रहे हैं, क्या वो अपने मुद्दों पर बखूबी उतरेंगे? असी मैडम 1958 च आए थे चंडीगढ़, सैक्टर 20 च रहिंदे सी। इहदे फादर 21 सैक्टर मकैनिक सीगे, मकैनिक यूनियन दे प्रेजिडेंट सीगे। उन्होंने भी बड़े काम कराए हैं, 5 मार्केटां उन्होंने करवाई जी, वो बहुत अंत तक वर्क कराया। इन्हू भाटिया साहब लेके आए हैं, भाटिया साहब नूं पता है ये काम करने वाला बंदा है, इन्हू टिकट दवाई है उन्होंने भाटिया साहब ने, है जी। और ये पहले दिन ये लोकल रहने वाला है जी, 3310/1 इन्हों का मकान है जी, ये इतने ही पढ़िया है, गवर्नमेंट स्कूल पढ़िया। और इसनों ये शौक है, कहिंदा जिहड़ी गलियां है ना सीवरेज वगैरह का, सब तो पहला काम ये करांगा भाई, ये सीवरेज ठीक कराऊंगा, पानी की दिक्कत नहीं होएगी। ये जिहड़े मेन मुद्दे हैं ना, ये जरूरी जिहड़े हैं ना, ये मैं पहले करांगा, बाकी के काम तो होंदे रहिंदे है जी। करो बसंत चौधरी को खुश है जी, क्योंकि ये अंतक वर्कर है। मैं 20 सैक्टर 25 साल मार्केट का प्रधान रहा जी, 7 साल चंडीगढ़ पुलिस एडवाइज का मेंबर रहा, मैनू भी शौक है काम करने का। नाम क्या सर? अशोक शर्मा है जी। अज भी तुम 20 सैक्टर मार्केट वाले को पूछो भाई तुहाडे प्रधान से अशोक शर्मा, वो कहणगे हुण ही बंदे असीं तैयार हैं, क्योंकि मैं वो 20 सैक्टर दुकान वेच आया सीगा है जी, तो उस तो बाद मैं 47 च आ गया सीगा। जिस तरह मैनू शौक है, मैं तुसीं ये किसी को पूछ लो उत्थे 20 सैक्टर, मैं 7 साल पुलिस एडवाइज का मेंबर रहा, तुहानू कोई शहर में यह नहीं कह सकता भाई इन्हें 5.5 रुपए खाते हैं। सर, आप कौन से मुद्दों को लेकर जो है मैदान में उतर रहे हैं? जो हमारे लोग आप कौन से जो मुद्दों को लेकर चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं? जो हमारे लोकल मुद्दे हैं, हाउसिंग बोर्ड का है, नीड बेस्ड पॉलिसी का है, नीड बेस्ड पॉलिसी का मुद्दा है, पार्कों की डेवलपमेंट का मुद्दा है, फायदा गांव के नाले का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, रोड्स के मुद्दे हैं, सारे जो भी लोकल मुद्दे हैं सारे इस पे काम करेंगे जी। अगर लोग आपको चुन लेते हैं तो सबसे पहले आप कौन सा कार्य है जो सबसे पहले करोगे? जो मेरे वार्ड के जरूरी कार्य है उनको देख के अपने वार्ड वासियों से सलाह करके उनके हिसाब से कार्य करूंगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।